हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में, एक ऐसी नोटिफिकेशन के बारे में जो आज के ही डेट में रिलीज हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्प्ले पे नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि UPSC वेरियस पोस्ट ऑनलाइन, यानी कि उत्तर प्रदेश कमीशन ने जो है सिलेक्शन कमीशन ने एक वैकेंसी आज रिलीज जारी किया, एक नोटिफिकेशन आज जो है रिलीज किया है। तो उसकी पूरी डिटेल हम जानते हैं कि इसमें कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। यहाँ पे देख रहे हो नेम ऑफ द पोस्ट गाइस, यहाँ पे देख रहे हो UPSC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो है निकाला है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज की डेट में। यहाँ पे देख रहे हो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ UPSC। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 03, ये आप देख रहे हो डिस्प्ले पे। और आप जो देख रहे हो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि एप्लीकेशन बिगिन जो है 22, यानी कि आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है 22 दिसंबर 2020। लास्ट डेट ये इसकी जो है रखा गया है 18 जनवरी, यानी 18 जनवरी 2021 लास्ट डेट है। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो, तो आप फॉर्म जरूर भर दो। और यहाँ पे देख रहे हो पे एग्जाम फी डेट, यानी कि लास्ट डेट और एग्जाम फीस की अगर बात करें तो दोनों का डेट जो है सेम रखा गया है। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल, वो एडमिट कार्ड कब रिलीज किया जाएगा, एग्जाम डेट कब होगी, वो आपको मतलब एडमिट कार्ड होने रिलीज होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलर्ट कर दिया जाएगा। और एग्जाम जब एग्जाम होगी उससे पहले एडमिट कार्ड जो है रिलीज किया जाएगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी देखिए बहुत ही चीप है, यानी कि जनरल EWS OBC वालों के लिए 105 रुपीज़ ओनली, और SC ST वालों के लिए तो सबसे कम 65, PH दिव्यांग यानी जो आते हैं PH कैटेगरी वगैरह में उसके लिए 25। अगर हम बात करें कि ये आप जो है फॉर्म जब फिलअप करोगे तो आप ऑनलाइन मतलब कैसे पेमेंट करोगे, तो यहाँ पे बताएगी कि पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस, ये देखो। फिर अगर हम बात करेंगे पोस्ट नेम क्या है इसमें, उसके बाद टोटल पोस्ट क्या है, यहाँ पे देख रहे हो टोटल पोस्ट जो है 18 पोस्ट है। यहाँ पे देख रहे हो पोस्ट नाम एंटोमोलॉजिस्ट, इसमें जो है एग्रीकल्चर में आपके पास PG होना चाहिए, MSc होना चाहिए, एक पोस्ट है, और एज जो है 21 to 40 के बीच में आपका एज होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें 6 पोस्ट है टोटल, और इसका सेम एज लिमिट बताई है। यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री इन जूलॉजी में होना चाहिए और साइंस में भी होना चाहिए। मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन। अब बताया गया यहाँ पे टोटल जो है, आप अगर पूरी जानकारी चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन जारी करो। इसी तरीके से पूरा पोस्ट इसमें बता दिया गया, और यहाँ पे ये पोस्ट नेम हो गया गाइस, और ये पोस्ट नेम और क्या क्या एज चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। बहुत अच्छा है ये, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे केमिस्ट्री वालों के लिए भी देखो, यहाँ पे मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट केमिस्ट्री में एक पोस्ट है, यहाँ पे MA सोशियोलॉजी भी 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए हम इसकी पूरी डिटेल जानते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या क्या और मतलब इंस्ट्रक्शन से है। यहाँ पे आप देख रहे हो अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे फॉर्म पे पहुंच जाओगे, वहाँ से डायरेक्टली ओपन आप क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मेल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे देखो पे एग्जाम फीस, यहाँ से जब आप सपोज ये मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो जब आप क्लिक करोगे फिर उस यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे रिलोड में है, बहुत जल्दी ओपन होगा। यहाँ पे देखो पे एग्जाम फी, यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल आ गई है, इसकी मैं बात अभी बात करूंगा, आप यहाँ वीडियो को देखो जब तक। यहाँ पे देखो पे एग्जाम फीस, क्लिक किया, फिर उसके बाद सबमिट फाइनल फॉर्म, मतलब सभी का अलग अलग लिंक दे दिया गया। यहाँ पे अगर किसी का फॉर्म फिल करने में गलती हो गई तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट फॉर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट की पूरी जानकारी चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करो। ये देखो UPSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है, आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हो। जब मैं ये भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन फी फॉर्म, 2-3 तरह के इसमें फॉर्म निकला हुआ जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो सीधी भर्ती, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये एडवर्टीजमेंट नंबर कितना था, यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 03/03/2020 और 21, यहाँ पे देखो
सेम चीज़ है, यानी कि फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड जो है। तो ये जो है जो आप क्लियर करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन के लिए बताएगी क्या है, इंस्ट्रक्शन के लिए चलो ओपन कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन के लिए ओपन कर लो आप। अब यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट नंबर, ये इंस्ट्रक्शन बताएगी किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। जब व्यू क्लिक करोगे तो अलग से एक ओपन हो जाएगा टैब। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे इसमें बताएगी कि प्रोसेस किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म करना है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस फिल फॉलो ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो है ना, ये पूरी डिटेल। अब यहाँ पे देखो पूरा इंस्ट्रक्शन बताया गया है 8 पेज का, ये पूरी डिटेल पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। अगर कहीं पे फॉर्म देखो यहाँ पे आओगे, फिर इस पर आप क्लिक करोगे अप्लाई पे, है ना गाइस। अगर आपको फॉर्म देखो इस तरह से आप किस पोस्ट में, पोस्ट नेम आपका कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ताकि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप करके बता दूं और आपको आसानी हो जाए। ये देखो आप जब करोगे, ये देखो फ्रंट पे देख रहे हो ना डिस्प्ले पे, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, फिर प्रोसेड आगे जाओगे, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह दोगे, डेट दोगे, फिर यहाँ पे देखो बता दिया गया ट्रांजेक्शन जो भी है, ट्रांजेक्शन आईडी जो पेमेंट वगैरह किए हो, फिर यहाँ पे फाइल वगैरह करके फोटो सिग्नेचर वगैरह करके आप आगे सबमिट फॉर्म कर सकते हो। ये देखो पूरा फाइनल फॉर्म बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रीव्यू फॉर्म है ना, प्रीव्यू फॉर्म बताया गया है, यहाँ पे कैंसिल है, उसी तरीके से इसमें टोटल चीज बताया गया है। ये देखो आप पूरी डिटेल में देख लेना। तो चलिए हम जो है उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो जब नोटिफिकेशन आप ओपन करोगे तो 4 पेज का नोटिफिकेशन दिया गया है। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट जो है 18 जनवरी किया गया है, और 22 जो है यहाँ पे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये किया गया है 22 जनवरी 2021, है ना, लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ पे देखो ये 22 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट डेट जो है 18, कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट जो है कंप्लीट फॉर्म यानी टोटल जो है पेमेंट वगैरह करके मॉडिफाई एडिट वगैरह लास्ट जो है 22 जनवरी 2021 को रखा गया है, ये बताया गया है। फिर ये इम्पोर्टेंट आप इंस्ट्रक्शन जो आपको लगे वो पढ़ लेना, और इसमें पूरी डिटेल यहाँ पे बताया गया है। देखो अनरिजर्व जनरल वालों के लिए ₹80 फीस लगेगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस यानी कि सब मिला के टोटल 105 अदर, OBC वालों के, SC ST वालों के लिए, हैंडीकेप वालों के लिए। ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली ओपन आप करके देख लेना गाइज। और अगर हाँ किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, टेक्निकल से भी रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको आसानी हो। थैंक यू गाइस, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक जल्दी पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।